Hello, good morning dear students, how are you? I think you are fine. Biology एक subject ना होकर एक संपूर्ण जीवन का विज्ञान है, जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और इसी जीवन के विज्ञान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. ना तो अभी हम complete biology को, बायोलॉजी क्या है, जीवन का विज्ञान है, और जीवन का विज्ञान जो है वो इतनी आसानी से समझ में अभी तक किसी को नहीं आ पाया है. हम बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में ना लें, क्योंकि अभी जैसे चारों तरफ ये जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, ये भी एक बायोलॉजिकल ही एक इवेंट है. और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो वायरस है जिसको अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे, वो वायरस जो है उसने एक प्रकोप फैलाया हुआ है. तो वायरस की संरचना क्या होती है, क्या वायरस काम करते हैं, इस पर हम जल्द ही आपको आगे पढ़ाने वाले हैं. फिलहाल आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी को आप ये ना समझें कि हमें एक ही दिन में संपूर्ण बायोलॉजी आ जाए. ये एक धीरे धीरे प्राप्त करने वाला ज्ञान है जो हमें समय के साथ साथ धीरे धीरे, मैं डेफिनेट कहता हूँ आपके लिए कि आप बायोलॉजी में मास्टर हो जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है. तो बायोलॉजी में मैं राजेश भारद्वाज पिछले 16 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी आते हैं बीच में कि जब आपको बोरिंग सा फील होता है, जैसे अभी हमने जो टॉपिक चला रखा है, हो सकता है, वैसे मैं तो नहीं मानता इस बात को, हो सकता है आपको ये वर्ड जो है बायोलॉजी के बोरिंग लगे, लेकिन उनकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है कि उनको आप डेली हैबिट में लेकर आए, डेली यूज में ले. दो दो वर्ड आप डेली ऐसे कर ले, सुबह जब खड़े होते हैं तो एक नोटबुक पे लिख लीजिए और उन वर्ड को आप पूरे दिन भर रिपीट कीजिए, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे. तो इसी क्रम में जो हम कुछ और पौधों के संबंध में विशेषताओं को आज आपके सामने लेकर आए हैं, यानी हमारा जो टॉपिक है कुछ विशेषताओं युक्त पौधे. बायोलॉजी को आप ऐसे समझ के चलें कि जैसे एक गुलाब का फूल है. क्या गुलाब के फूल को प्राप्त करने के लिए या कमल के फूल को प्राप्त करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कांटों से घिरे होते हैं तो. लेकिन जब आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की ही डिमांड है. पूरा विश्व आज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पूरा मेडिकल स्टाफ उसके ऊपर एक उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि कल कोई वैक्सीन बन जाए, ये बीमारी है इसका समाधान हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि भगवान के बाद अगर दूसरा किसी को सम्मान मिलता है तो वो एक मेडिकल फील्ड के जो है सदस्य को ही मिलता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस, इसके अलावा साइंटिस्ट जो अभी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं. तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से भागने वालों के लिए नहीं है बायोलॉजी, मेहनत कर सकते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका समाज, आपका परिवार, आपके टीचर्स आप पर गर्व करें, तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत आगे तक जा सकते हैं. तो कुछ विशेषताओं के पौधों में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा, ठीक है, इसके बाद सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा,
तो सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जो पौधा है वो है हैप्लापेपस ग्रैसिलिस, हैप्लापेपस ग्रैसिलिस, हैप्लापेपस ग्रैसिलिस, ठीक है। और सबसे कम ओफियो ग्लोसम। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा हो गया? ओफियो ग्लोसम। और सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा हो गया? हैप्लापेपस ग्रैसिलिस, ठीक है। सबसे छोटा गुणसूत्र जो मिलता है वो मिलता है शैवालों में, ठीक है। यहां हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे सूत्राकार संरचनाएं हैं जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, यानी हमारे लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन इन गुणसूत्रों पर ही मौजूद होते हैं। 46 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और इसमें से 44 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं जो कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जैसे हमारा रंग, हमारी जो लंबाई है, इस तरह के लक्षण। और दो गुणसूत्र जो लास्ट के हैं, जो एक्स एक्स समान भी हो सकते हैं, एक्स वाई असमान भी हो सकते हैं, वो लैंगिकता का निर्धारण करते हैं कि संतान जो है वो नर होगी या मादा। तो इस तरह से जो गुणसूत्र हैं वो गुणों को या लक्षणों को नियंत्रित करने वाले सूत्र यानी कि संरचनाएं हैं। तो ये सबसे जो छोटा गुणसूत्र है वो किसका होता है? शैवालों का होता है, ठीक है। इसमें हम आगे बात करें तो सबसे छोटा एक पौधा और है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट पौधा। टेरिडोफाइट क्या होते हैं? टेरिडोफाइट जो हैं, जब हम पादप जगत पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि पादपों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो क्रिप्टोगेम्स और एक फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जिनमें बीज नहीं होते, जिनमें पुष्प नहीं बनते, फेनेरोगेम जिनमें बीज बनते हैं, जिनमें पुष्प आते हैं, पुष्पी पादप वाले। तो जो क्रिप्टोगेम्स हैं उनको हम, उनकी शुरुआत जो करते हैं वो शैवालों से ही करते हैं। इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो है वो निम्न स्तरीय पौधों में पाए जाते हैं, और उनसे भी निम्न स्तरीय होते हैं ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा से भी सबसे निम्न स्तरीय होते हैं शैवाल। यानी पौधों की शुरुआत कहाँ से होती है? शैवालों से। यानी जो काई होती है ना, हरे हरे रंग की काई बरसात में या पानी वाली जगह पर जम जाती है, वो होते हैं शैवाल, जो कि सबसे निम्न स्तरीय पौधे होते हैं। तो जो शैवाल हैं वो, उनका गुणसूत्र भी सबसे छोटा होता है, पादप में अपन बात कर रहे हैं, और सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा होता है? एजोला, ठीक है। तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों का, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा ओफियो ग्लोसम, और सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस। आपको बच्चों अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में ज्यादा सफल होने के लिए जितनी ज्यादा क्वालिटी, जितनी ज्यादा विशेषताएं आप अपने अंदर सीख पाते हैं, उनको इकट्ठा कर पाते हैं, उतना ही आपको ज्यादा सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, फिर मैं बार बार कहता हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर क्वालिटी विकसित करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, उतना ज़्यादा सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक पौधा एंजियोस्पर्म जो जड़ विहीन है, एंजियोस्पर्म, अब देखो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी सबसे उच्च स्तरीय पौधों में आते हैं, नीम, पीपल, शीशम, बरगद, ये सब एंजियोस्पर्म पौधे हैं। सबसे उच्च स्तरीय पौधे कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। अब उसमें भी ऐसा पौधा जिसमें जड़ नहीं होती, तो वो होते हैं
क्या सबसे बड़े पौधे जिनमें जड़ नहीं होती वो है एल्ड्रोवेंड्रा। एल्ड्रोवेंड्रा वेंडा आदि पादप आपने सुने होंगे, दूसरे पौधों पर उग जाते हैं ये, और ये सबसे ऐसे पौधे हैं उच्च विकसित जो कि जड़ विहीन होते हैं, जड़ नहीं होती इनमें। अब ऐसा पौधा भी है जो प्ररोह रहित पौधा या पादप, ऐसा पादप जिसमें प्ररोह नहीं होता। प्ररोह क्या है कि अपन ने अगर बीज को जमीन में लगाया तो जो नीचे विकसित होकर गई वो तो जड़ मूल, और जो ऊपर निकल कर आया वो प्ररोह या शूट कह देते हैं उसको। तो ऐसा पौधा जिसमें शूट नहीं होता, प्ररोह नहीं होता, वो होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा तो राइजोफोरा जो पौधा है वो प्ररोह रहित पौधा होता है। ठीक है, ऐसा पौधा जिसमें अपन कह सकते हैं जिसका गुणसूत्र है वो सबसे बड़ा होता है। अभी अपने सबसे छोटा गुणसूत्र लिख लिया था इससे पहले, लेकिन सबसे बड़ा गुणसूत्र नहीं लिखा था। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र मिलता है ट्रिलियम में। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र इसमें पाया जाता है ट्रिलियम पौधे में। ठीक है, सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र। ठीक है, सबसे बड़ा पादप अंड, सबसे बड़ा पादप अंड जो कि उसका मादा युग्मक हो गया वो मिलता है साइकस। किस पौधे में? साइकस पौधे का अंड होता है वो सबसे बड़ा पादप अंड माना गया है। तो सबसे बड़ा पादप अंड कौन सा हो गया? साइकस पौधे का। सबसे बड़ा गुणसूत्र पादप में ट्रिलियम में, प्ररोह रहित पादप राइजोफोरा, और जड़ विहीन एंजियोस्पर्म एंड्रोवेंडा। ठीक है बच्चों, तो अपनी जो ये ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चल रही है बच्चों, इसको आप कंटिन्यू रखें, और ये जो समय है कोरोना काल का इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। अभी जो वर्ड आ रहे हैं इनको आप नोटबुक में लिख कर, जैसे आप क्या करें सुबह मॉर्निंग में खड़े होके चार नाम लिख लिया आपने और पूरे दिन उनको रिपीट करते रहें, तो जब तक वो याद नहीं होते उनको रिपीट करते रहें। तो ये तरीका है, अभी आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, आपके समय का सदुपयोग कीजिए। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड कोई जो पौधा है उसमें हम क्या देखते हैं कि उसका ये वाला जो भाग है ये कहलाता है अंडक, और यहां एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं बीजांड, जिससे आगे चलकर बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। तो ये जो बीजांड है ये क्या बनाने वाला है? बीज बनाने वाला है। बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है। तो सबसे जो छोटा बीजांड होता है, सबसे छोटा जो बीजांड होता है वो होता है साइकस प्लांट का। किसका होता है? सबसे छोटा बीजांड होता है साइकस का। ठीक है, अभी हमने देखा कि पौधों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो निम्न स्तरीय एक उच्च स्तरीय। तो निम्न स्तरीय पौधों में शुरुआत कहाँ से हुई? साइकस से, शैवालों से। शैवालों के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन सा होता है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइट पौधा और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट पौधा, सबसे छोटा ब्रायोफाइट जो होता है वो होता है जुओप्सिस। क्या होता है? जुओप्सिस।
और सबसे बड़ा होता है डाउसोनिया, डाउसोनिया। तो डाउसोनिया क्या है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, जूओप्सिस। ठीक है, सबसे बड़ा पादप उमंग, सबसे बड़ा पादप उमंग मिलता है साइकस में। ये नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद वाला भाग होता है उमंग, सबसे बड़ा उमंग साइकस में, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया, सबसे छोटा जूओप्सिस और सबसे छोटा बीजान साइकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ विशेषताओं युक्त पौधे, अपन सभी पौधों की विशेषताओं को हम नहीं पढ़ सकते यहाँ पर, कुछ इम्पोर्टेंट अपन ने पढ़ ली हैं, तो इनको अपनी नोटबुक में लिखकर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब प्रयास चाहे थोड़ा हो लेकिन सतत होना चाहिए। आज आपने अगर 2 घंटे पढ़े हैं तो कल भी 2 घंटे जरूरी है, ये नहीं आज 10-12 घंटे पढ़ लिए कल आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ा। एक रेगुलरिटी बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए और दिनचर्या को फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ अपनी जो क्लासेज हैं उनको जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।